संत का बड़ा सुंदर भाव है। एक संत कहता है, घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। आइए कहते हैं कन्हैया जी की बंसी भी ऐसी है जो पूरे ब्रज को पागल कर दिया। तो सब दोनों हाथ उठा के एक बार प्रभु के लिए ताली बजा के कहेंगे, घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। इस कारे रंग पर ही दुनिया भर जाती है, ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी ही बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी ही बंसी पागल कर जाती है। पागल कर जाती है,
घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। क्या भूलना पड़ेगा, बाकी बैरी के दर्शन करने के लिए एक भक्त गया था। जैसे ही बाकी बैरी को देखा सब कुछ भूल गया। ऐसा तीर लगता है तो इसके बाद में श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित एक पौंड्रक नाम का व्यक्ति है जिसने काशी नरेश से पूछा कि दुनिया कृष्ण को भगवान क्यों मानती है, क्यों उसकी इतनी पूजा करती है, क्या कारण है। तब काशी नरेश ने कहा, इसलिए उसे दुनिया भगवान मानती है क्योंकि उसके कभी कभार चार हाथ हो जाते हैं, एक सुदर्शन चक्र है, वो घूमने भी लग जाता है। पौंड्रक ने कहा, क्या मेरे चार हाथ हो जाए, सुदर्शन चक्र हो जाए, दुनिया मुझे भगवान मानेगी। बोले हाँ अवश्य मानेगी। तो इसने क्या किया, दो हाथ लकड़ी के बनवा लिए, एक पीतल का सुदर्शन चक्र बना लिया, बटन दबाने से घूमने भी लग जाता था। ये बड़ा वैज्ञानिक था, इसने इतना प्रभु का चिंतन किया था, सब कुछ प्रभु जैसा कर लिया और भगवान के लिए एक पत्र लिख दिया। क्योंकि काशी नरेश ने कहा कि वो तो भगोड़ा है, भाग जाएगा, एक पत्र लिख दो। जैसे ही पत्र पढ़ा मेरे प्रभु ने, फिर दोबारा पत्र लिख दिया, जाओ कह दो कि हम कल आ रहे हैं। और मेरे प्रभु उद्धव के साथ आते हैं। उद्धव जी के साथ आकर के देखते हैं पौंड्रक भगवान को देख करके तुरंत सुदर्शन चक्र की बटन दबाता है, सुदर्शन चक्र घूमने लग जाता है। दो हाथ तो उसके थे, दो हाथ लकड़ी के बना लिए। भगवान कहते इसने मेरा बड़ा चिंतन करा है। मेरे प्रभु उस का उद्धार करते हैं, पौंड्रक वसुदेव का मेरे भगवान ने उद्धार किया है। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण सूर्य यज्ञ कराते हैं पांडवों के साथ में। देखो यहाँ बड़ी सुंदर कथा आएगी, सुदामा चरित्र, जो बचपन के मित्र हैं, जिसमें बड़ी सुंदर झांकी भी दिखाई जाएगी। तो
भाव के साथ कथा को श्रवण पान करते रहे। भगवान सुदर्शन चक्र यज्ञ कराते हैं जिसमें सभी को निमंत्रण दिया है। सभी आए हैं, सभी को अलग अलग काम सौंप दिए हैं। किसी को भोजन का काम सौंपा है, किसी को दान करने का काम सौंपा है। भगवान स्वयं काम लेते हैं, जो अतिथि आता है उसके चरणों को साफ करना, उनके चरण पादुकाओं को साफ करना, भगवान ऐसा काम लेते हैं। मेरे प्रभु बैठ जाते हैं। दुर्योधन आता है, दुर्योधन को दान का काम सौंपा। क्यों? क्योंकि जितना ये गुस्से में आकर के दान करेगा उतना ही दान बढ़ेगा, क्योंकि दान करने से कम नहीं होता है और बढ़ता है, तो इसलिए दुर्योधन को दान का काम सौंपा है। दुर्योधन जब आने लगा, दीवार उसको दरवाजा दिखता है, दरवाजा उसको दीवार दिखने लगा। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, देखा पानी को मात्र करने वाला पत्थर लगा है। मन में विचार किया, ये कहीं पानी तो नहीं। जैसे ही अपने पैर को रखा, देखा पत्थर है। अरे ये कैसा पत्थर है, पानी को मात्र करने वाला पत्थर है। फिर आगे बढ़ा, आगे चलता गया, वहां पानी भरा हुआ था। मन में विचार किया, अगर यहाँ पत्थर है तो ये भी पत्थर होगा। जैसे ही अपना पैर रखा, धड़ाम से पानी में गिर पड़ा। अब जैसे पानी में गिरा ही था, इतने में खड़ा हो गया। आपने देखा होगा, अगर कोई गिर जाए तो लगने की बात पीछे देखेगा, पहले खड़ा होकर के ये देखेगा कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा। तो इतने में खड़ा ही, गिरा ही था, ये इतने में खड़ा हो गया। इधर उधर देखने लगा, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। तभी देखा द्रौपदी हंस गई। द्रौपदी हंस करके कहने लगा, अरे अंधे को तो अंधे ही पैदा होते हैं। जैसे ही कहा, अंधे को तो अंधे ही पैदा होते हैं। 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। भगवत प्रेमियों, किसी के लिए कभी कठोर बाणी मत बोलो। कहते हैं ये जो बाणी निकलती है, ये बीना है साक्षात, जो सरस्वती माता का बीना है। ये बाणी ही बीना बन जाती है, लेकिन अगर इसी बाणी को जब फेंका जाए तो ये कभी कभार बाण भी बन जाता है, कभी कभार ये बाण का प्रयोग कर जाते हैं। द्रौपदी महाभारत में बहुत अच्छी, इसने बहुत अच्छी स्त्री थी। इसके समान कोई दूसरा, इतना ज्ञान था इसके अंदर, भगवान से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन कभी मुख से ऐसी बाणी निकल जाती है कि वो बाण का काम करती है। आज जैसे ही द्रौपदी ने कहा कि अंधे के तो अंधे पैदा हो जाते हैं, तभी पांडवों के जीवन में बड़ा संकट आता है। भगवत प्रेमियों, किसी के लिए कोई कठोर बाणी मत बोलिए। ऐसी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए और अन्न को शीतल करे प्रभु आपे शीतल। ऐसी बाणी बोलिए जिससे आपके अंदर भी शीतलता है, जो आप किसी के लिए बोल रहे हैं वो भी शीतल प्रदान करता है। अगर आप किसी बात को थोड़ा तेजी से कह सकते हो, उस बात को नॉर्मल से भी कह सकते हो। जैसे ही कहा तो पांडवों के जीवन में बड़ा संकट आता है। 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। बड़ा भारी संकट पांडवों के जीवन में आया है। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के आते हैं। क्यों बनकर के गए शांति दूत भगवान, क्या कारण है? क्योंकि भगवान कौरवों को समझाने के लिए गए थे। पांडवों ने भेजा था, जाओ कौरवों के पास जाकर के कहो कि युद्ध के लिए ना कहें। ये नहीं जानते ही युद्ध में कितनी माताएं विधवा हो जाती हैं, कितने बच्चे बिना माँ बाप के हो जाते हैं। लेकिन भगवान जब पधारे तो केवल एक ही बात कहा, सुचित्र नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशवे। बिना युद्ध के एक सुई की नख के बराबर में भूमि नहीं दे सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, बड़ा विचित्र युद्ध हुआ था महाभारत का, लेकिन पांडवों ने भगवान की शरण ग्रहण की, इसलिए विजय प्राप्त कर गए। भगवान ने कह दिया था, एक तरफ मैं रहूंगा, दूसरी तरफ मेरी सेना रहेगी।
और जिस तरफ मैं रहूंगा कोई धनुष बाण नहीं उठाऊंगा। परीक्षित, तुम्हारे बाबाओं ने केवल भगवान का सहारा लिया था, इसलिए विजय प्राप्त हो गई और उसके बाद में तुम्हारा जन्म हुआ। मैं अपनी द्वारिका में चले गया था, फिर आपका जन्म हुआ था। तुमने एक संत के गले में तक्षक सर्प को डाल दिया था। उस संत के पुत्र ने, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि जिस किसी ने मेरे पिता के गले में तक्षक सर्प डाला है, आज से सातवें दिन ये तक्षक सर्प डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजन, आज वही सातवां दिन है, वही तक्षक सर्प तुम्हें डसने के लिए आएगा। आज की कथा को भगवान ने द्वितीय दिन की कथा से जोड़ दिया था। अगर भगवान से प्रेम करना है, भगवान से लगन लगानी है, तो जैसे एक नंबर के अगारे जीरो लगानी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार जीरो होकर के भगवान की प्राप्ति आप कर सकते हैं। तब राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु आप मुझे अब ऐसी कथा सुनाइए जिसमें भगवान भी हो और भगवान का मित्र भी हो। तो बड़ी सुंदर कथा यहाँ सुनाते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान के बचपन के मित्र हैं सुदामा जी। आज बहुत सारी पुस्तकें बनाई हैं कि सुदामा जी गरीब हैं। सुदामा जी गरीब नहीं है, सुदामा जी दरिद्र हैं। सुदामा जी दरिद्र नहीं है, सुदामा जी गरीब हैं। लेकिन वो अपने आप में दरिद्र मानते थे, लेकिन वो दरिद्र नहीं थे, वो केवल गरीब थे। गरीब होना, दरिद्र होना, जमीन आसमान का फर्क है। सुदामा जी ने आज तक किसी से एक पैसा नहीं मांगा था। सुदामा जी के घर में आज भोजन करे तो पांच दिन के लिए भोजन नहीं मिलता था, ये सच बात है। लेकिन सुदामा जी दरिद्र हैं, ये गलत बात है। सुदामा जी दरिद्र नहीं, केवल गरीब है। एक बार भगवत प्रेमियों, सुदामा जी गीता का पाठ कर रहे थे। सुदामा जी गीता का पाठ करते हैं, तभी सुदामा जी के बच्चे सुशीला जी के पास आते हैं। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला था। बच्चे रोकर क्या है, माँ हमें कुछ खाने के लिए दीजिए। बेटा, आज एकादशी का व्रत है, आज आप जल पान कर करके सो जाइएगा, कल भोजन करना। सुशीला अपने बच्चों को सुला देती है। भगवत प्रेमियों, जिसके घर गरीबी है उसको जाकर के पूछिए, उसकी दिल से पूछिए उस पर क्या बीतती है। सुशीला अपने बच्चों को एक दिन भोजन कराती, पांच दिन तक भोजन नहीं मिलता था। अपने बच्चों को प्रतिदिन सुबह देती, बेटा आज तुम सो जाओ, आज एकादशी का व्रत है, फिर सुबह भोजन कर। जब पुत्र सुबह भोजन मांगते थे, माँ हमको बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दो ना। सुशीला फिर अपने बच्चों को जल पी करके सुला देती थी। एक दिन जब बच्चों ने कई दिन तक कुछ नहीं खाया, दौड़े दौड़े सुशीला की गोदी में गिर पड़े। माता, तू हमें प्रतिदिन ऐसे ही भूखा सुला देती है, कुछ खाने के लिए दो ना। सुशीला को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के सुदामा जी को ऐसा वैसा कहने लगे। जब सुदामा जी को ऐसा वैसा कहने लगे तो सुदामा जी ने गीता को बंद करके रख दिया। गीता को बंद करके कहीं चले गए। तभी मेरे ठाकुर आए। मेरे ठाकुर ने एक छोटे से बच्चे का रूप धारण किया है। रूप धारण करके आकर के केवारों को खटखटाया। सुशीला ने केवारों को खोला। बताइए, सुदामा जी ने ये चावल और दाल भेजा है, आप भोजन बनाइए और भगवान का भोग लगा कर के पाइए। अरे आप भी थोड़ा पाकर के जाना।
जब सुदामा जी गीता को रख के चले गए तो सुशीला ने उस गीता को खोल करके एक जगह से तीन श्लोकों को काट दिया था। वो बच्चा कहता है मैं भोजन नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मेरी जीभ तीन जगह से कटी है। अरे कैसे कट गई तुम्हारी जीभ? आज मेरे प्रभु ने अपनी जिभ्या को खोल करके दिखाया। जैसे ही खोल करके दिखाया तो मेरे प्रभु की तीन जगह से जीभ कट रही। सुशीला के दोनों आंखों में आंसू भर गए, कैसे ये जीभ कट गई? ठीक है, कोई बात नहीं, सुशीला भगवान का भोग बनाने लगी है। भोग बनाते बनाते तभी सुदामा जी आए, आकर के देखा घर में से बड़ी अच्छी सुगंध निकल रही है। अरे सुशीला, ये भोजन कौन लेकर के आया है? सुशीला ने कहा स्वामी आपने ही तो भिजवाया था। बोले मैंने भिजवाया? बोले हाँ, एक छोटा सा बच्चा भोजन लेकर के आया था, कह रहा था कि सुदामा जी ने भेजा है। अरे देवी, उस बच्चे को रोक क्यों नहीं लिया, थोड़ा भोजन करके जाता? स्वामी मैंने कहा लेकिन उसकी जीभ तीन जगह से कटी थी। अरे कैसे कट गई उसकी जीभ? पता नहीं स्वामी। सुदामा जी कहने लगे सुशीला तू थोड़ा भोग बना, मैं थोड़ा गीता का पाठ कर लेता हूँ। आज सुदामा जी जैसे ही गीता का पाठ करने के लिए बैठे तभी देखा एक श्लोक तीन जगह से कटा हुआ है, तीन जगह से एक श्लोक कट रहा है। अरे सुशीला, ये श्लोक किसने काटा है? सुशीला ने कहा स्वामी आप प्रतिदिन इस गीता को लेकर के बैठ जाते हो, मैंने गुस्से में आकर के इस श्लोक को तीन जगह से काट दिया है। सुदामा जी की आंखों में आंसू भर आए। अरे सुशीला, तूने ये क्या किया? तुझे पता नहीं आज तूने क्या किया? आज तूने मेरे मित्र की जीभ को काट दिया। वो कोई नहीं था, मेरा बचपन का सखा कृष्ण था। सुशीला ने कहा मैं समझी नहीं, तुम्हारे बचपन के सखा कृष्ण? बोले हाँ सुशीला, बचपन का सखा है मेरा जो आज द्वारिका का राजा है। वो अपनी द्वारिका का राजा है और मैं अपनी इस कुटिया का राजा हूँ, मेरा बचपन का मित्र। सुशीला ने कहा स्वामी आपके मन में कभी इच्छा नहीं होते अपने मित्र से मिलने की? अरे सुशीला तू पागल बात क्यों करती है? कोई कृष्ण जैसे मित्र को पाकर के बार बार मिलने की इच्छा नहीं करेगा? जब मुझे मिलने की उसकी याद आती है तो मैं उसकी याद में आकर के अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेता हूँ और उसको याद कर लेता हूँ। सुशीला ने कहा अरे स्वामी कभी एक बार अपने शरीर से जाइएगा। अरे सुशीला तू जानती है मैं कैसे जाऊं? गुरु के घर और मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता है, कुछ लेकर के जाया जाता है, और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तू जानती है मेरे घर सुबह भोजन करे तो तीन दिन के लिए भोजन नहीं मिलता है, चार दिन के लिए भोजन नहीं मिलता है, मैं क्या लेकर के जाऊं? सुशीला ने कहा प्रभु तुम चिंता मत करो, आप जाने की तैयारी करो। आज सुदामा जी स्नान इत्यादि करते हैं। सुशीला ने यहाँ पांच घर गई, पांच घर जाकर के पांचों घर से पांच मुट्ठी चावल लिया। यहाँ सुशीला ने बड़े दिमाग से काम किया है। अगर सुशीला जानती थी अगर प्रभु पूछेंगे इनसे कि आप कैसे हो तो एक ही बात कहेंगे इस संसार में मेरे बराबर कोई सुखी नहीं, मैं बहुत सुखी हूँ। उनको कैसे पता चलेगा मेरे घर एक टाइम भोजन करने के बाद में पांच दिन तक भोजन नहीं मिलता है, कैसे पता चलेगा? तो सुशीला पांच घर से चावल लेने के लिए गई। पांचों घर का चावल अलग था। उन चावलों को एक ऐसे कपड़े में बांध दिया जो पांच जगह से सिला हुआ था, बांध के सुदामा जी के हाथ में दे दिया। स्वामी जाइएगा। सुदामा जी जाने लगे तो सुशीला ने हाथ जोड़कर के कहा प्रभु आप जाते रहे, जाते जाते मेरा एक छोटा सा संदेश प्रभु को जाकर के सुनाना। सुदामा जी ने कहा बता सुशीला तेरा क्या संदेश है?
सुशीला ने कहा प्रभु सुनो, एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल तो नित्य एकादशी हो। हे गोपाल, आपके सभी वैष्णव उपासक महीने में दो बार व्रत धारण करते हैं, लेकिन मेरे घर तो प्रतिदिन ही एकादशी है। प्रभु, ये एकादशी का व्रत मेरे घर कब तक चलता रहेगा और मेरे बच्चे कब तक भूखे रहेंगे? क्योंकि सुशीला जानती थी, जब सुशीला के बच्चे भोजन मांगते थे तो सुशीला एक ही बात कहती कि बेटा आज की एकादशी है। तो प्रभु, ये एकादशी का व्रत मेरे घर में कब तक चलेगा, कब आप कृपा करोगे? थोड़े से ही शब्दों में सुशीला ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सुदामा जी ने कहा, ठीक है सुशीला, मैं चलता हूँ। आज सुदामा जी चल देते हैं। ठीक है, तू प्रभु का याद भजन करते रहना। ठीक है स्वामी। सुदामा जी जब जाने लगे, चलते गए, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। सुदामा जी का शरीर सूखा हुआ है, एक छोटा बच्चा उनके शरीर की हड्डियां गिन सकता है। सुदामा जी जब जाने लगे, रास्ता भूल गए, वृंदावन चले गए, मथुरा चले गए, भूख प्यास को भूल गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब दुलास लगती है, कैसे आऊं रे द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे मैं आऊं तेरी द्वारिका, अब आस भी निराश लगती है। किस तरह सुदामा जी भगवान से कह रहे हैं, अपने विरह किया दिलाए कहा कहा, घनश्याम तुम ढूंढने जाए कहा कहा, घनश्याम तुम ढूंढने जाए कहा कहा, मेरा जाऊँ कहाँ
सके। बचपन का मित्र है आज मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। आज मैं बचपन के मित्र से मिलूंगा, बड़ी खुशी है। सुदामा चलते गए सामने एक नदी आ गई। अब नदी को कैसे पार करें? जाकर के सुदामा बैठ गए किनारे पर। सुबह से सांझ हो गई, सुदामा जी के पास कुछ नहीं। अगर कोई पार उतारेगा तो उसको उतराई चाहिए, लेकिन सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं। क्या उतराई में दे? तभी जब सांझ हो गई तो भगवान केवट का रूप धारण करते हैं। केवट का रूप धारण करके मेरे प्रभु कहते हैं, भैया किसी को पार चलना है क्या? सुदामा जी ने कहा, भैया मुझे पार चलना है। सुदामा भगवान कहने लगे, आइए तो बैठिए, रात्रि होने वाली है, यहाँ बड़े बड़े जीव आ जाते हैं, शेर भालू आ जाएंगे, खा जाएंगे, ऐसे करिए जल्दी से बैठ जाइए। सुदामा जी ने कहा, भैया मेरे पास कुछ है नहीं उतराई में। भगवान ने कहा, कुछ तो होगा। बोले, नहीं भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको भेंट कर सकूं। बोले, नहीं नहीं कुछ तो होगा, ऐसा भगवान कठोर नहीं है, सबको भगवान सब कुछ देते हैं, कुछ तो दिया होगा जीवन में। सुदामा जी ने कहा, भैया एक चीज दीजिए। बोले, क्या? बोले, मुझे गरीबी दीजिए। भगवान कहने लगे, तू भी याद करेगा कैसा केवट है, ला आज मैं तेरी गरीबी को ही ले लेता हूँ। आज मेरे प्रभु सुदामा जी की गरीब को ले लेते हैं और सुदामा जी को नाव में बिठाया है। सुदामा जी को जब नाव में बिठा कर के ले जा रहे थे तो भगवान बार बार से सुदामा जी की तरफ देखते हैं, देख कर के मुस्कुरा जाते हैं, फिर देखते हैं, फिर देख कर के मुस्कुरा जाते हैं। सुदामा जी ने कहा, भैया ऐसे तू हमें बार बार क्यों देख रहा है? देखता है फिर मुस्कुरा जाता है, देखता है फिर मुस्कुरा जाता है। भगवान बोले, मैं इसीलिए देख रहा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं द्वारिका जा रहा हूँ। द्वारिका? क्या करोगे द्वारिका जाकर? बोले, जो द्वारिका के राजा है ना कृष्ण, वो मेरे बचपन के मित्र हैं। भगवान ने कहा, क्या द्वारिका के कृष्ण मित्र हैं आपके बचपन के? बोले, हाँ मेरे बचपन के मित्र हैं। भगवान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। सुदामा जी ने कहा, रे केवट तेने अपनी जिंदगी में ना भी तो चलाई है, तुझे पता नहीं? मेरा द्वारिकाधीश कपड़े नहीं देखता है, वस्त्र नहीं देखता है, केवल मन देखता है, इसका मन कैसा है? मेरे प्रभु के आंखों में आंसू आ गए, दुनिया बदल गई,
लेकिन मेरा सुदामा मित्र नहीं बन रहा है। सुदामा जी नाव में बैठकर के भगवान पार उतारते हैं। पूछा यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है, बोले ज्यादा दूर नहीं है लेकिन आपके शरीर को देख करके पता चल रहा है अभी आपको 3 महीने और लग जाएंगे। सुदामा जी जब जाने लगे चलते गए अचानक से एक चना का पेड़ दिखाई दे जाता है। जैसे ही चना के पेड़ को तोड़ने के लिए चने को हुए तुरंत ठोपर लगती है और ठोपर लगते ही धड़ाम से पृथ्वी पर गिर जाते हैं। जैसे ही धड़ाम से पृथ्वी पर गिरे सुदामा जी की दोनों आंखों में आंसू भर आए और कहने लगे, अरे द्वारिका दीस, जिस किसी ने तुझसे मित्री करिए मेल किया है, प्रेम किया है, उसने दुख ही दुख पाया है। तुझसे हरिश्चंद्र ने की उसने दुख पाया है, और तुझसे नरसिंह ने करी उसके जीवन में दुख आया, और आज मैंने इस विप्र सुदामा ने करी है तो मेरे जीवन में भी दुख आ रहा है। प्यारे भाइयों, आज सुदामा गिर जाता है। आस लगती है अब तो ये जिंदगी उदास लगती है। हे प्यारी कन्हैया, मुझे चलते चलते कितने दिन गुजर गए, अब मेरे शरीर में शक्ति नहीं रही है। अगर आपको लेना है तो मुझे ले जाए। और ये भी है प्यारे, जिस भक्त ने तुझसे यारी की है उसकी तो तेने बिगड़ी ही बना दी। आज मैंने भी तुझसे यारी की, मुझे दर दर भटका दिया है प्यारे, बस इतना नहीं सहा जाता। हरि नाही पायो नाही पायो, हरि नाही पायो रे तेरी यारी में बिहारी, कछु नाही पायो रे तेरी यारी में बिहारी, कछु नाही पायो रे तेरी यारी में बिहारी। ओ नाही पायो नाही पायो,
प्यारे यारी करी तो से मोरा ध्वजरा जाने 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 सुदामा रो रहा है और कह रहा है हे प्यारे मेरा तो ये छोटा परिवार ऐसा कभी नहीं करना मुझे नहीं चाहिए तेरी मेवा और मुझे नहीं चाहिए तेरी जो भी कुछ मैं तो यही चाहता हूँ मेरा परिवार इसी तरीके से चलता रहे और रो रहा है कह रहा है यारी करी तो से ओ यारी करी तो से बीपी सुदामा ने 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 ओ तरे तरे पैरी भटका दियो ने तेरी यारी में बिहारे कुछ नहीं पायो ने तेरी यारी में बिहारे देखिए सभी अब तू मुझे यहीं से लेकर के चले जाना इतना कहकर के सुदामा जी सो जाते हैं और मेरे प्रभु योग माया के द्वारा सुदामा जी को द्वारिका में सुला देते हैं। जब सुदामा जी की आंख खुली तो देखा सोने के दरवाजे हैं, सोने की गाय जो गौ माता है उनके सिंग सोने से मढ़ रहे हैं। बड़ी सुंदर नगरी है, जैसे ही देखा रे कितनी सुंदर नगरी है, सबके मुख से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। धीरे धीरे करके सुदामा जी चल देते हैं। सभी से पूछते हैं भैया ये नगरी बड़ी अच्छी है, इस नगरी के जो भक्त हैं सभी के मुख से जय श्री कृष्ण निकल रहा है, सभी जय श्री कृष्ण कर रहे हैं। सुदामा जी धीरे धीरे करके भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही द्वार पर पहुंचे जाकर के कहा भैया जय श्री कृष्ण भैया ये कौन सी नगरी है, इस नगरी का क्या नाम है? बोले ये द्वारिका छह है। सुदामा जी विचार करने लगे ये द्वारिका छह कहां से आ गई, मैं तो एक ही द्वारिका के लिए आया था लेकिन ये द्वारिका छह कहां से आ गई। सुदामा जी कहते भैया एक बात बताओ इस द्वारिका के राजा का क्या नाम है,
तो द्वारपाल कहने लगे इस द्वारिका के राजा का नाम है श्री कृष्ण चंद्र महाराज। सुदामा जी समझ गए ये मेरे ही लाला की नगरी है, मेरे ही लाला का घर है। सुदामा जी कहते हैं जाओ जाकर के कहो कि बचपन का मित्र मिलने के लिए सुदामा जी आए हैं और अभी आपके समक्ष हमारे ठाकुर जी आएंगे। कोई खड़ा नहीं होगा, अपने स्थान पर सभी बैठे रहेंगे। और आइए ठाकुर जी। हरी सवरिया आइए। सुदामा जी सैनिक द्वारपालों से कहते हैं कि जय विजय को शराब पहले ही लग चुका है, क्योंकि आज कहते हैं कि सुदामा को धक्का मारा है द्वारपालों ने कि जाओ यहाँ से, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, केवल एक संत का भाव था, क्योंकि द्वार जय विजय को पहले ही शराब लग चुका है। तो भगवान के घर जब जाते हैं तो किसी को किसी ब्राह्मण को घर से भगाया नहीं जाता है। बोलिए सुदामा जी महाराज की। आइए सुदामा जी महाराज भगवान कृष्ण से मिलने आते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत बहुत कठिनाई झेली है, तो कहने लगे कि हे काना तुझे, कहते हैं सुदामा के कन्हैया तेरे रास्ते में चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए हैं, अब मुझ पे नहीं चला जाता। कहा छाने हो छाने हो पैरों में पड़े छाने, द्वारे अपने तू बुनाने मेरे यार बंसी वाले। जय जय। तो आइए देखिए सब प्रार्थना करेंगे हाथ उठा के ताली बजा के सुदामा जी महाराज कन्हैया से मिल जाए, कहना मेरे यार बंसी वाले, मेरे यार बंसी वाले, ओ मेरे यार बंसी वाले, मेरे यार बंसी वाले। छाने हो छाने छाने हो छाने पैरों में पड़े छाने, पास अपने तू बुलाने। देखिए कोई भी हाथ नीचे ना रहे सुदामा जी महाराज के लिए, दोनों हाथ उठाइए और ताली बजा के मेरे यार बंसी वाले, मेरे यार बंसी वाले, ओ मेरे यार बंसी वाले, मेरे यार बंसी वाले। मेरे मन का, मेरे मन का, मेरे मन का, मेरे
जीवन का हमको गने न बने मेरे यार मुरली बारे मेरे यार बंसी बारे मेरे यार मुरली बारे मेरे यार मुरली बारे मेरे यार बंसी बारे मेरे यार मुरली बारे मेरे यार बंसी बारे मेरे यार मुरली बारे मेरे यार मुरली बारे मेरे यार मुरली बारे मेरे यार बंसी बारे मेरे यार मुरली बारे मेरे यार बंसी बारे। आज से कौन अच्छा ऐसे कितने भक्त हैं जो अपने घर में भगवान का भोग लगा कर के स्वयं पाते हाथ ऊपर खड़ा करें। फिर भी कम संख्या है। ऐसे जो भोग नहीं लगाता है घर में ठाकुर का सबसे पहले ठाकुर का भोग लगाए। कुछ भी घर में बनता है अगर घर में सूखी रोटी भी बनती है उसको भी पहले ठाकुर को अर्पित करो। प्रभु आप इसका ग्रहण करिएगा। अगर आप भगवान का भोग लगा करके पाओगे उस प्रसाद को ग्रहण करोगे कोई बीमारी नहीं आ सकती आपके शरीर में। जब मैं छोटी थी तो हमारी जो दादी थी वो कहती थी कि जो पहले नया कपड़ा आता था वस्त्र आता था कि पहले भगवान को भगवान के सामने अर्पित करना चाहिए। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले अगर भगवान के सामने अर्पित करेंगे तो कपड़ा ज्यादा दिन तक चलेगा। तो सब चीज पहले ठाकुर के चरणों में अर्पित करो। प्रभु आप इसे स्वीकार करो। अगर आपके घर में कोई मेहमान भी आता है कुछ लेकर के आता है पहले उसको खिलाइए। उसको अपने घर का एक सदस्य बनाइए। आज सुदामा जी ने बड़े प्रेम से भोजन पाया है। ये नहीं कि सुदामा जी को मिला नहीं तो बस टूट पड़े। नहीं ऐसा नहीं।
सुदामा जी ने बड़े प्रेम से भोजन पाया है। भोजन पाने के बाद में सुदामा जी कहने लगे, भैया तेरे भोजन में सब चीज था लेकिन एक चीज नहीं था। बोले ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे भक्त को प्रिय है और भोजन में नहीं बनी है। तब सुदामा जी कहते हैं, भोग तो था लेकिन मेरे भोग में जो मेरा सबसे प्रिय खाने का वस्तु था वो था सकल गंदी। सुदामा जी, जो किसान अपने खेत से सकल गंदियों को बीन करके ले आते, सकल गंदी की कुछ जड़ रह जाती, सुदामा जी उन जड़ों को बीन करके लाते और उबाल करके भगवान का भोग लगा करके उन्हीं को पा जाते थे। सभी पत्नियों को आदेश दिया, आशीर्वाद लो। सभी पत्नी आशीर्वाद लेने लगी। सबसे पहले रुक्मणी जी आई, मैं प्रणाम करती हूँ। रुक्मणी देवी चिर सौभाग्यवती रहो। सत्यभामा आई, मैं प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। जामवती आई, मैं प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। मैं मित्रवृंदा हूँ, प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। ऐसे धीरे धीरे करके सौ पत्नी प्रणाम कर ली। सुदामा जी बोले, कन्हैया हाँ इधर आ, नेक तेरे कान में ही कहूंगो एक बात, बता क्या बात है। बोले लाला कितनी हो रहे। बोले तुम आशीर्वाद देते जाओ। सुदामा फिर देने लगे, अब तो एक हाथ से दे रहे थे, अब दोनों से देने लगे। देवी चिर सौभाग्यवती रहो, देवी चिर सौभाग्यवती रहो, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। जब दोनों हाथ थक गए तो फिर कहा, लाला कन्हैया इधर आ, बताओ तेरी कितनी पत्नी है पूरी टोटल। बोले मेरी पूरी टोटल पत्नी है 16,108। सुदामा जी बोले, हे भगवान, इसने शादी शादी करी कुछ और भी काम करा। बोले लाला देख, तू जाने है मैं तो पतलो सो ब्राह्मण हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, ऐसे कर सबकी बचत तू ही, प्रणाम कर ले मैं तो कोई आशीर्वाद दे दूंगा। मेरे गोविंद ने प्रणाम किया है, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया है। बात और वार्तालाप होने लगी। जब चर्चा होने लगी तो ठाकुर जी ने कहा, सुदामा जी एक बात बताइए, आपको आप जैसी परम सुंदरी पत्नी मिली कि नहीं मिली। सुदामा जी ने कहा, देखो मैं शादी तो करवा नहीं रहा था, लेकिन जब पिताजी माताजी ने जब ज्यादा आग्रह किया तो मुझे शादी करवानी पड़ी। और तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। अरे सुशीला बड़ा अच्छा नाम है। सुदामा जी आपको पता है मैंने किस लिए पूछा है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई। बोले किस लिए पूछा है। बोले इसलिए पूछा है अगर घर में भाभी है तो भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा। सुदामा जी विचार करने लगे, देख ले इतनी सब यहाँ बैठे हैं, कैसी बात पूछिए, अब कैसे दिखाऊं इस पोटली को कि चावल भेजा है। सुदामा जी बोले, देख लाला ये वार्तालाप बाद में करते हैं, पहले बचपन की बातें करते हैं। कन्हैया बोले, मुझे बचपन की बात सब याद है, पहले ये बता कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी कहते हैं, लाला देख तू जानता है ना, देख गुरु माँ मुझसे कितना प्रेम करती थी, कहती थी जो कृष्ण है बड़ा उदंग है, लेकिन लाला तेने फिर भी सबसे पहले शिक्षा ग्रहण कर ली, ऐसा क्यों। कन्हैया बोले, मुझे सब पता है, पहले ये बताओ भगवान ने मेरे लिए क्या भेजा है। ठाकुर जी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति मुझे भाव से एक फल भी स्वीकार करता है, फल भी देता है, फूल भी देता है, तो मैं उसे भी स्वीकार कर लेता हूँ, बताओ तो सही भाभी ने क्या भेजा। लेकिन सुदामा जी ने बताया नहीं। मेरे गोविंद ने कहा, बहुत बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ, तुम्हारी ये जो बगल है इतनी मोटी क्यों हो रही है, क्यों इतनी मोटी हो रही है। बोले क्या बताऊं लाला, जब मैं आ रहा ना तो मेरी बगल में एक फोड़ा हो गया। जैसे ही कहा, मेरी बगल में एक फोड़ा हो गया, मेरे गोविंद ने अपने हाथ से सुदामा जी के कांख से वो पोटली निकाली। और जैसे ही पोटली निकाली, मेरे गोविंद उस पोटली को घुमाने लगे। मेरे गोपाल उस पोटली को घुमा रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे मित्र के घर एक कपड़ा साबुत नहीं है, पांच जगह से सिला हुआ है। उस पोटली को खोल करके देखा, पोटली
बोले मेरे गोविंद उस पोटली को खोलते हैं। पोटली को जैसे ही खोल करके देखा तो चावल है, पांच घर का चावल है, अलग अलग है। मेरे गोविंद के आंखों में आंसू भर आए। मेरे सुदामा के घर अपने घर का चावल नहीं, पांच घर का चावल है। कोई मोटा है, कोई टूटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है। मेरे गोविंद के आंखों में आंसू भर आए। मेरे गोविंद ने एक मुट्ठी चावल दिया और अपने मुखारविंद में डाल दिया। एक लोग को दे दिया, दूसरा मुट्ठी चावल लिया अपने मुख में डाला, दूसरे लोग को दे दिया। अब जैसे ही मेरे गोविंद तीसरी मुट्ठी को भर के अपने मुख में डालने लगे, इतने में रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। ठहरो, क्या कर रहे हो? वो भी तो ब्राह्मण था जो आपके बक्ष स्थल पर प्रहार किया था। भगवान ने कहा वो भी तो ब्राह्मण था जो शादी के समय पत्रिका लेकर के आया था, नहीं लेकर के आता तो कैसे बनती द्वारिका की पटरानी? ये बात केवल नजरों ही नजरों में हुआ था। केवल रुक्मणी जी ने बोलकर इतना कहा, प्रभु कच्चा है, दर्द करेगा, अब मत खाइए। सुदामा जी कहने लगे, अरे मैं कब से समझा रहा हूँ लेकिन ये मानते ही नहीं है, कच्चा है, दर्द करेगा। मेरे गोविंद ने कहा, ठीक है, आप कहते हो तो मैं अब नहीं खाता। ये बात किसी को पता नहीं चला कि आज भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को क्या दिया है। सुबह होता है, सुबह होते ही आज सुदामा जी कहते हैं, लाला अब मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, जाइएगा। आज सुदामा जी जैसे ही जाने लग जाते हैं, कृष्ण से कहते हैं, लाला अब मैं जा रहा हूँ, जाइएगा। मेरे गोविंद की दोनों मुट्ठी बंधी हुई है, दोनों मुट्ठी बंधी है। सुदामा जी फिर वापस लौटते, पीछे मुड़ करके देखा, लाला मैं जा रहा हूँ, बोले जाइएगा। जब सुदामा जी थोड़े आगे पहुंच गए तो सुदामा जी से कहा कृष्ण ने, अरे सुदामा ठहरो। सुदामा जी कहने लगे, बताइए क्या है लाला? बोले देखो सुदामा जी, एक रास्ता इधर से जाता है और एक रास्ता इधर से जाता है, दोनों रास्ते बता दिए। सुदामा जी कहने लगे, ये मुझे क्या दे देगा, ये अपनी पत्नियों का खुद ही गुलाम बना बैठा हुआ है। आज सुदामा जी वापस लौट करके आ जाते हैं। सुदामा जी वापस लौट करके आए हैं, अपनी सुदामापुरी में पहुंचे हैं। देखा जहां उनकी एक सुंदर सी प्यारी सी कुटिया थी, वहां सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं, कंचन महल खड़े हुए हैं। सुदामा जी कहने लगे, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले सुदामापुरी है। सुदामा जी विचार करने लगे, मेरी पुरी कहां से आ गई, मेरी पुरी नहीं हो सकती। सुदामा जी ने कहा, भैया मेरा एक छोटा सा घर था, यहाँ एक छोटी सी कुटिया थी, आपके महाराज कहाँ हैं उनसे पूछ लूं कि मेरी कुटिया कहाँ फेंक दी है। द्वारपालों ने कहा वो यहाँ नहीं है, वो महाराज नहीं है, वो केवल पंडित है और वो यहाँ नहीं है, वो तो द्वारिका गई है। सुदामा जी वो विचार करने लगे, पंडित भी मैं, द्वारिका भी मैं गया था, लेकिन मेरी पूरी नहीं हो सकती, ये क्या कारण है? सुदामा जी बोले, भैया एक बात बता, तुम्हारे मालिक साहब को यहाँ से गए कितने दिन हो गए? बोले एक साल हो गया, एक वर्ष हो गया है। सुदामा समझ गए, तब मैं ही। सुदामा जी कहने लगे, ये मुझे पहचानेंगे कैसे? तब कहा, अपनी सुदामा जी की पत्नी को बुला करके लेके आओ, मैं उनसे पूछ लूं मेरी कुटिया कहाँ है। ठीक है, बैठे रहिएगा। आज बुलाने के लिए द्वारपाल जाते हैं, जैसे ही सुशीला जी आने लगी, देखा सुशीला जी ने, सुशीला जी थोड़ी भगवान की कृपा से मोटी हो गई थी, 10-5 दास दासियां पीछे आगे चल रही हैं, सब सुशीला झिलमिल झिलमिल करती आ रही हैं। जैसे ही सुदामा जी ने देखा, सुदामा जी कहने लगे, अरे नहीं नहीं ये नहीं है, ये मेरी सुशीला नहीं है। सुदामा जी वापस लौट कर के जाने लगे, लेकिन सुशीला ने पहचान लिया। सुशीला ने कहा, आप तो मेरे प्रियतम हो, आप ही मेरे स्वामी हो। सुदामा जी कहने लगे, अरे सुशीला खाए खाए हुई तू कुटीला, ये दो लटक रहे तेरे चुटीला। आज सुदामा जी कहते हैं, सुशीला तुझे धन चाहिए था, वो सब तुझे मिल गया है, अब तू सोने की रोटी बना, चांदी की दाल बना, चांदी की दाल बना करके भगवान को प्रसाद ग्रहण की, भगवान को प्रसाद चढ़ाओ फिर उसको पाओ, अब मैं चलता हूँ जंगल में, तुझे ये सब चाहिए था, अब मैं जा रहा हूँ।
जैसे ही सुदामा जी जाने लगे तभी मेरे गोविंद ने से पीछे से आवाज लगाई, अरे सुदामा। जैसे ही सुदामा जी ने पीछे मुड़ कर के देखा, अरे गोपाल ये सब तुमने मुझे क्यों दे दिया है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तब मेरे गोविंद ने बड़ी सुंदर बात कही, विपदों ने विपद है, संपदों ने संपद है, विपद विस्मरण विस्मरणम विष्णु सम पुनारायण स्मरण स्मृति। यानी कि विपत्ति को विपत्ति नहीं कहती, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। सुदामा जी आप यहाँ रह कर के मेरा भजन करिए और इसको स्वीकार कीजिए। तब सुदामा जी कहते हैं ठीक है प्रभु। अनंत वर्षों तक सुदामा ने तप किया, अंत में भगवान के धाम को चले गए। बोलिए द्वारिका नाथ की, भक्त भगवान की। इधर समय के अनुसार देखते हुए पल नाम धारा सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। केवल कुछ नहीं करना है, अपने घर में केवल हरि नाम संकीर्तन करना है। अगर जिस घर में हरि नाम संकीर्तन करता है उसी का भगवान के धाम को जाता है। अच्छा कितने भक्त हैं जो अपने घर में प्रतिदिन सुबह शाम, सुबह नहीं तो शाम एक टाइम हरि नाम संकीर्तन जाप करता है, कीर्तन करता है, हाथ ऊपर खड़ा करें एक, सभी करते हैं? बस एक दो भाई लोग करते हैं, बाकी माता तो सभी खाने में लगी रहती हैं। अरे तुमको खाने के लिए बहुत कुछ दिया है, थोड़ा भगवान का भी भजन किया करो। कैसे करोगे बताओ, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। भगवान का भोग लगाओ, भगवान का भोग लगा के नहीं हाजिर प्रजा है प्रभु, थोड़ा कीर्तन करो, ज्यादा नहीं सिर्फ 5 मिनट करो। भगवान ने 24 घंटे दिए हैं आपके लिए, 24 घंटे में तो 5 मिनट नहीं निकाल सकते ठाकुर के नाम। अरे जिंदगी संभल जाएगी तुम्हारी भैया, भजन किया करो, ठाकुर का कीर्तन किया करो। कीर्तन करने से मुक्ति हो जाती है। सभी भक्त जब जीवन में दुख आए तो भगवान का नाम शिवन करना चाहिए। राजा परीक्षित ने केवल कलयुग को इसी कारण की वजह से छोड़ दिया था। केवल कलयुग में भगवान नाम लेने से उसकी मुक्ति हो जाती है। आज धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। श्री सुखदेव जी चारों प्रकार के प्रणयों को बतलाते हैं। राजन मैंने तुम्हें भागवत कथा सुनाई है, 7 दिन पहले आपने एक संत के गले में, जो समक ऋषि नाम के संत थे, उनके गले में तक्षक सर्प को डाल दिया था। उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि जिस किसी ने मेरे पिता के गले में तक्षक सर्प को डाला है आज से 7वें दिन यही तक्षक सर्प डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजन आज वही 7वां दिन है, आज वही तक्षक सर्प आएगा तुम्हें डसने के लिए। आज तलक मैं तुमको कथा श्रवण कराता रहा, आज तलक आपने मुझसे प्रश्न किए मैंने उत्तर दिए, आज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ उत्तर देना, बताइए गुरुदेव। बोले मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम मरोगे। तब राजा परीक्षित ने कहा हे प्रभु, हे सतगुरुदेव भगवान, जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा क्यों। श्री सुखदेव जी महाराज समझ गए कि इसने कथा को शिवन पान किया है। श्री परीक्षित जी श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन करते हैं और अगर श्री सुखदेव जी चाहते तो उसकी मृत्यु को टाल भी सकते थे, लेकिन वो कब के भगवान के धाम को सिधार चुके थे। आज श्री सुखदेव जी का पूजन राजा परीक्षित ने किया है। श्री सुखदेव जी चले जाते हैं और आज वही तक्षक सर्प डसने के लिए आ जाता है। जब तक्षक सर्प डसने के लिए आ रहा था, तक्षक और कश्यप की मुलाकात हो जाती है। कश्यप जीवित करने के लिए आता है, तक्षक डसने के लिए आता है। जब दोनों की मुलाकात हुई, तक्षक ने कश्यप को देखा, कश्यप ने तक्षक को देखा और कहा आप कहाँ जा रहे हो। बोले मैं राजा परीक्षित को डसने के लिए जा रहा हूँ। कश्यप से पूछा आप कहाँ जा रहे हो। मैं राजा परीक्षित को जीवित करने के लिए जा रहा हूँ, क्या आप राजा परीक्षित को जीवित कर सकते हो। बोले अवश्य कर सकता हूँ।
तभी परिचय लेता है, तक्षक सर्फ एक वृक्ष को डसता है। जैसे ही उस हरे भरे वृक्ष को डसा, तुरंत वो वृक्ष सूख गया। जैसे ही वो वृक्ष सूखा, तुरंत कश्यप ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा कर, फिर से वो वृक्ष हरा भरा होने लगा। बहुत सारा धन देकर के तक्षक सर्प ने कश्यप को विदा कर दिया। आज धन के लालच में आकर के कश्यप विदा हो जाता है, चले जाता है। जब जाने लगा तो तक्षक सर्प सोने की छड़ी बनकर के सामने लेट गया है। धन के लालच में इतना अंधा हो गया, उस छड़ी को उठाया और अपने कांधे पर रखा। तुरंत तक्षक सर्प ने अपना विकराल रूप धारण किया। जैसे ही अपना विकराल रूप पर धारण किया, कश्यप की तुरंत पीठ पर डस मार दिया और तुरंत तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए जाता है। सूक्ष्म रूप लेता है, राजा परीक्षित के पास पहुंचा है, विकराल रूप धारण किया और राजा परीक्षित को जाकर के डस दिया। लेकिन वो कब के भगवान के धाम को सिधार चुके थे, भगवान के धाम को पहुंच चुके थे। इधर यहाँ राजा परीक्षित को मोक्ष मिल जाता है। मार्कंडेय को प्रलय दिखलाया। भागवत में 10 लक्षण है। पहला सर्ग, दूसरा विसर्ग, तीसरा स्थान, चौथा पोषण, पांचवा उति, छठवा मनमंत्र कथा, सातवा ईशानु कथा, आठवा निरोध, नौवा मुक्ति, दसवा आश्रय। राजा परीक्षित को मोक्ष मिल गया। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय जय। आइए और पूजन पूजन अभी बाद में थोड़ी सी कथा का सार सुनेंगे और अंतिम श्लोक का गान करेंगे भाव और श्रद्धा के साथ में। सभी हाथ जोड़े और मेरे पीछे पीछे गाएं। सभी हाथ जोड़ लीजिए और ठाकुर को अपने हृदय में बसा लीजिए और सभी व्यास जी के पीछे बोलेंगे मंत्र। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुःख समनस्ते, प्रणाम दुःख समनस्ते, प्रणाम दुःख समनस्ते, प्रणाम दुःख समनस्ते, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। आइए सभी कथा का सार श्रवण पान करेंगे। प्रथम दिन की कथा में आप सभी भक्तों ने भागवत के महत्तम मातम को श्रवण पान किया और साथ ही साथ प्रथम श्लोक का गान किया। सच्चिदानंद रूपाय विस्फोत्पत्याद्वैते तापत्र बिना सह श्री कृष्णाय वयम नमः। ज्ञान वैराग्य की कथा को श्रवण किया, जिसमें बड़ी सुंदर कथा, जो पापियों से पापी होता है वो भी इस कथा को सुनकर के तर जाता है। पापी से पापी धुंधकारी था, इस कथा को सुनकर के तर गया था, उसका भी उद्धार हो गया था और कथा समापन हुई, सत्य को प्रणाम किया। ये पहले दिन की कथा में आप सभी भक्तों ने श्रवण पान किया। दूसरे दिन की कथा में बड़ी सुंदर कथा वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया है। जन्मजस्य यतुन्द्रा, बड़ा ही सुंदर यहाँ मंगलाचरण किया है और अमर कथा का श्रवण पान किया है और कहा यह कथा कितनी बार सुननी चाहिए। निगम कल्पित रोगलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिवत भागवतम रसमालयम महुरो रसिका भुवि भावुका। इस कथा का पान जब तक जन्म मिला है इसका पान करते जाए, अगर जन्म मिलने के बाद में मृत्यु हो जाए फिर जन्म मिले फिर भी इसका पान करते रहे, अगर ठाकुर भी मिल जाए तब भी इस कथा को मत छोड़ो।
मैंने बताया अगर कृपा हो सकती है तो क्षण में भी हो सकती है, अन्यथा सदियां बीत जाती हैं। बहुत से ऐसे संत महात्मा हुए जिनकी उम्र ऐसे ही बीत गई। तपस्या करते करते और भी आदि कथाओं को श्रवण किया, जिसमें पांडवों की कथा, राजा परीक्षित को श्राप मिला, भगवान श्री कृष्ण विदुर के घर जाकर के केले के छिलके खाते, केवल भाव के बस होकर के, प्रेम के बस होकर के विदुरानी के घर भगवान श्री कृष्ण ने केले के छिलके खाए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हिरणाक्ष का वध और पृथ्वी की स्थापना की, ये आपके द्वितीय दिन की कथा में शिवन बांध दिया। और तीसरे दिन की कथा में बड़ी सुंदर सुंदर कथा आप सभी भक्तों ने श्रवण पान की, जिसमें भगवान के बड़े सुंदर भक्तों का चरित्र आपने श्रवण किया, जैसे प्रह्लाद, ध्रुव, भगवान के भक्त केवल एक कृष्ण नाम लेने से अजामिल जैसा पापी तर गया, और भगवान के भक्त गजेंद्र हुए ग्रह पर मुक्ति की, और साथ ही साथ वामन भगवान का प्राकट्य होता है। ये तृतीय दिन की कथा में आपने शिवन पान किया, और चतुर्थ दिन की कथा में बामन भगवान के घर, बामन भगवान राजा बलि के घर जाते हैं, संपूर्ण शरीर को न्योछावर कर देता है बलि। सत्यव्रत की एक इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान मत्स्य का अवतार धारण करते हैं, और आपने सूर्य वंश की कथा शिवन पान करी, जिसमें बहुत बड़े बड़े राजा हुए, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मारिच, मारिच के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र व्यवस्थमान, व्यवस्थमान के पुत्र सुदुम, सुदुम के पुत्र व्यवस्थमनु, और भी बहुत बड़े बड़े राजा हुए, जिसमें बड़े राजा मानधाता, मुचकुंद, त्रिमंदन, बाहु, भागीरथ, और भी बड़े बड़े राजा, जिसमें राजा रघु हुए, बड़े अच्छे ये राजा रघु, इनकी प्रजा ने इन्हीं का नाम ले लिया, राजा रघु का नाम अपनी इनकी प्रजा ने रख लिया, और भी जिसमें भगवान श्री राम का प्राकट हुआ है, भगवान श्री राम का विवाह उत्सव आपने मनाया, और साथ ही साथ रंती देव की भगवान परीक्षा लेते हैं। भगवान पहले अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, फिर भगवान सब कुछ देते हैं, और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। ये चतुर्थ दिन की कथा में आप सभी भक्तों ने शिवन पान की। पंचम दिन की कथा में भगवान श्री कृष्ण पूतना का उद्धार करते हैं, बहुत से राक्षसों का उद्धार करते हैं, तृणाव्रत, सक्तासुर, अघासुर आदि आदि कथाओं को, जिसमें बड़ी सुंदर माखन चूरी लीला आप सभी भक्तों ने शिवन पान करी। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर भगवान नृत्य करते हैं, और कभी निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान नहीं करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण गिरिराज महाराज की पूजा कराते हैं। ये आपकी कथा पंचम दिन की कथा है। छठवें दिन की कथा भगवान श्री कृष्ण की याद में गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया था, उनको ना कोई ज्ञान आता है, कुछ नहीं आता है, ना कोई शास्त्र आता है, केवल भगवान की श्री कृष्ण की याद करते हैं। इस संसार में सबसे कठिन काम कौन सा है? इस सब कुछ करना आसान है, तप करना आसान है, ध्यान करना आसान है, कथा करनी आसान है, कथा सुनना आसान है, हवन करना आसान है, यज्ञ कर सब कुछ करना आसान है, लेकिन कठिन काम क्या है? किसी से सच्चा प्रेम करना, केवल एक ही कठिन काम है, किसी से सच्चा प्रेम करना। गोपियां ठाकुर से सच्चा प्रेम करती है, जिसमें और भी आदि आदि कथाओं को आप श्रवण करने के लिए प्राप्त हुई, जिसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विवाह उत्सव आपने मनाया। और आज सप्तम दिन की कथा में भगवान के 16,008 विवाहों का वर्णन, और जिसमें भगवान के पुत्रों की कथा, बड़ी सुंदर सुदामा चरित्र आपने श्रवण किया। कितना संकट सुदामा जी के जीवन में आया, लेकिन सुदामा जी ने हार नहीं मानी। ऐसे ही जीवन में कितना भी दुख आए, अगर जीवन में दुख आए तो मानो भगवान की कृपा हो रही है, ठाकुर की कृपा हो रही है। ये नहीं कि फैक्ट्री खुल जाना ठाकुर की कृपा है। और भी आपने आदि आदि कथाओं को श्रवण किया, जिसमें यदुवंशियों को श्राप दिया, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, भगवान श्री धाम वृंदावन में आज भी अलिखित रूप से रहते हैं, और इस भागवत में शिवन भागवत में प्रवेश कर गए हैं, और भी जिसमें राजा परीक्षित को मोक्ष मिल गया है, और 10 लक्षण को आपको श्रवण करने के लिए प्राप्त हुआ, जिसमें अंतिम श्लोक गान अभी आप भक्तों ने शिवन पान किया। ये कथा का सार हुआ। अब इस कथा से दवा मिलनी चाहिए, कथा को शिवन किया है तो दवा मिलनी चाहिए। अच्छा, किस किस को दवा चाहिए? हाथ ऊपर खड़ा करें।
जो हाथ ऊपर खड़ा करेगा उसी को दवा मिलेगी, सबको चाहिए। तो इस कथा से जैसे उस हॉस्पिटल से दवा मिलती है, आज इस पांडाल से दवा मिल रही है। मैंने बताया ये पांडाल भी एक हॉस्पिटल है। आज तक आपका ऑपरेशन हुआ, चेकअप हुआ, सब कुछ हो गया है, आज इस हॉस्पिटल से आपको दवा मिल रही है। दवा क्या है? दवा है हरि नाम की पुड़िया। ये कथा क्या सुनाती है? नाम संकीर्तनम यस्य, किसका नाम? हरि का नाम। नाम संकीर्तनम यस्य साप सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, केवल भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। केवल दोनों टाइम भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र का जाप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस दवा को सुबह शाम लिया जाता है, ठीक इसी दवा को भी सुबह शाम लिया जा सकता है, लेते हैं। लेकिन इस दवा को आप जब मन करे जब ले सकते हैं। उसका नियम हो सकता है, लेकिन इस दवा का कोई नियम नहीं है। आपके जीवन में दुख आ जाए तो ये मैं बाधा करती हूँ, इस गद्दी से मैं बाधा करती हूँ। अगर आपके जीवन में दुख आए तो एक कोने में जाकर के बैठ जाना, दोनों हाथों को ऊपर कराना और महामंत्र का जाप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। जब भी आपके जीवन में संकट आए, दुख आए, कुछ भी आए, केवल दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके भगवान का नाम जप करना है, भगवान का नाम स्मरण करना है। आज से कौन कौन इस पांडल से वचन लेता है कि मैं दोनों टाइम भगवान नाम का कीर्तन जप करूंगा। और एक और जरूरी बात, मेरी सभी से प्रार्थना है, जो तमाकू खाते हैं या गुटखा कुछ भी खाते हैं, आज इस भागवत के पांडाल में बैठ करके कल हवन होगा, उसी हवन में जो भी आप नशा करते हैं उस नशा को उसी में आहुति समझ करके डाल दें। केवल नशा करना है, हरि नाम का नशा करें, इस भक्ति का नशा करें। एक बात बताइए, नशा करता कौन कौन है? अच्छा, ये भक्त, अगर आप सोच रहे होंगे हम अपनी बात को छुपा लें, लेकिन ठाकुर सब जानता है। लेकिन इस पांडाल से कल जब हवन होगा, तब अगर आपने सच्ची में कथा सुनी है, हकीकत में कथा सुनी है, तो इसी पांडाल से जब कल हवन हो तो आहुति के साथ में जो आप नशा करते हैं उसी नशा का सुहा करें और हरि नाम का नशा करें। इस भागवत के पांडाल से ये वचन ग्रहण करें। अब जितने ने आपने हाथ ऊपर खड़ा किया है, कल आप अपने नशे का सुहा करोगे ना? कौन कौन अपने नशे को छोड़ सकता है हाथ ऊपर खड़ा करें? तो देख लेना, बाद में हम सुनना ले। आइए अब हमारे परीक्षित जी आएंगे, आकर के कोई गुना नहीं होगा, आकर के पूजन करेंगे और इस कथा के जो भगवान ने इस कथा में निमित्त बनाया है, क्योंकि कथा में निमित्त बनाया जाता है, कथा के जो निमित्त हैं, कथा के जो निमित्त है वो कौन है? अकेश भैया जी, भगवान ने उनको इस कथा के लिए चुना है। ठाकुर जी सबको नहीं चुनते, ठाकुर जी उसी को चुनते हैं जो ठाकुर जी को प्रिय होता है। तो ठाकुर जी ने यहाँ निमित्त केवल आकेश भैया को बनाया है। तो आपने इतना केवल आप उन्हीं के बिना नहीं, आपके बिना ये कथा नहीं हो सकती। आपने यहाँ अपना कीमती समय निकाल करके आपने यहाँ आकर के हाजिरी बजाई है, तो आप भी सबसे बड़े हैं। लेकिन ठाकुर जी निमित्त बनाते हैं, पहले निमित्त आकेश भैया जी को बनाया है। मैं उनसे प्रार्थना करूं वो आए, आकर के भागवत का पूजन करें, और अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मैं
हाथ जोड़ करके माफी चाहती हूँ। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि आपकी मैं एक छोटी सी बेटी, आपकी मैं एक छोटी सी बेटी हूँ। अगर इन 7 दिनों में कोई मेरे मुख से गलत शब्द निकल गया हो तो मुझे बेटी समझ करके क्षमा याचना करें। मैं आप सभी से विनती करती हूँ। और जहाँ मेरी रहने की व्यवस्था की गई है, मेरी बुआ जी हैं, मेरी बुआ और फूफा जी हैं, जहाँ मैं रहती हूँ, अपनी बुआ के घर में रहती हूँ, मैं प्रार्थना करूँ अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई अपराध बन गया हो, तो मुझे अपनी बेटी समझ करके क्षमा करे। आइए, एक पहले वचन होगा, उसके बाद में विदाई गीत, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। और सभी भक्त शिवन पान करें। देखिए, और मैं प्रार्थना करूं जितने भी हरि भक्त हैं, संत समाज हैं, अगर कोई टूटी मेरे मुख से, कोई वचन मेरे मुख से निकल गया हो गलती में, तो अपनी बेटी समझ करके मुझे क्षमा करें। आइए एक भजन शिवन पान कर। बोल बाकी बिहारी लाल की, बिहारी जी जे जे। बिहारी जी, बिहारी जी, बिहारी दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। 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 बिहारी जी मुझे वृंदावन भुला क्यों नहीं लेते। बिहारी जी मुझे वृंदावन भुला क्यों नहीं लेते। दर्द नहीं देते। दर्द मेरे दिल का मिटा
अब के बिछड़े कब मिले कोई दूर परे गिरा क्योंकि हो सकता है कभी राधे रानी की कृपा हो या ना हो आपके गांव में दोबारा आना बने या ना बने क्यों कि ये सब ठाकुर जी के ऊपर होता है। हंसने की बात नहीं डोरी भैया, ये सत्य है क्योंकि जब ये याद करते हैं तभी आते हैं, वरना सब घर बैठे रह जाते हैं। तुम यही देख लो, गांव में भी ना जाने कितने लोग होंगे जो भागवत सुनने के लिए नहीं आ पाए। इसीलिए हो सकता है इनकी कृपा हो दोबारा आपसे मुलाकात हो या ना हो, इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि रावल गांव के वासी सदा खुश रहना, कि गलती बनी हो हमसे तो माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतड़ा रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं। रावल गांव के वासी सदा खुश रहना, रावल गांव के वासी सदा खुश रहना। गलती बनी हो हमसे माफ कर देना, गलती बनी हो हमसे माफ कर देना। जाते जाते तुमसे हम ये कह जा रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं। रामा हो रामा हो राम हो राम हो। हमको सताएंगी ये प्यारी बातें, हमको सताएंगी ये प्यारी बातें, कितना रुलाएंगी ये प्यारी बातें, कितना रुलाएंगी ये प्यारी बातें। देखिए इन सात दिनों में ना जाने आपसे कितनी बातें हुई हैं, बड़ी प्यारी प्यारी भी हुई हैं और सब तरह की बात हुई है, लेकिन आपके गांव में ये विश्वास करना कि हमको अपने घर की याद नहीं आई, इतना प्रेम मिला है।
और वो सब हमारे डोरी भैया की देन है कि आपके गांव में वास्तव में ही हमें इतना प्रेम मिला है कि हमें अपने घर की भी याद नहीं आई। इसलिए कहा है कि आपकी बात बड़ी याद आएगी। कहा हमको सताएंगी ये प्यारी बातें, हमको सताएंगी ये प्यारी बातें, कितना रुलाएंगी ये मुलाकातें, कितना रुलाएंगी ये मुलाकातें। आत्मा की बात तुमसे कहे जा रहे हैं, 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 मन की ये बात तुमसे कहे जा रहे हैं। हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं, परदेसी अपने घर जा रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं। हो रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, हम परदेसियों की यही है कहानी, हम परदेसियों के यही है कहानी, क्योंकि हम लोगों की यही जिंदगी होती है कि आज आपके गांव में हैं और कल अपने घर पर रुकेंगे और परसों हम दोनों चाचा भतीजे सोनीपत जाएंगे कथा। इसलिए आपसे ये गलती क्षमा मांग के जा रहे हैं। कहा रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, हम परदेसियों की यही है कहानी, हम परदेसियों की यही है कहानी। इस सत्संग को भूल न जाना, इस सत्संग को भूल न जाना, प्रभु की कथा को मन में बसाना, जाते जाते तुमसे हम ये कह जा रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं। व्यास जी हमारे हैं भोले वाले, 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 हर की कथा हम कहने वाले, हर की कथा कहने वाले, हरि की कथा हम कहने वाले, हरि की कथा हम कहने वाले, हरि की कथा को मन में बसाना, हरि की कथा को मन में बसाना,
अच्छी लगी हो तो तुम्हारा बुलाना, अच्छी लगी हो तुम्हारा बुलाना, हर की कथा को मन में बसाना, अच्छी लगी तो तुम्हारा बुलाना। देखिए प्रभु की कथा अगर आपको अच्छी लगी हो या फिर हम लोगों के भजन या संगीत में थोड़ा सा आनंद आया हो तो इनको अपना बच्चा समझ के आशीर्वाद दे देना कि राधा रानी के चरणों में बैठ करके जो कथा सुनाई है ये सफल हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार दोनों हाथ उठाइए, ज्यादा नहीं तो हम दोनों के लिए, क्योंकि हम दोनों चाचा भतीजे आज ही जाएंगे, इनके लिए तो कल आशीर्वाद देते रहना सबके लिए। और दोनों हाथ उठाकर ताली बजा के हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं, परदेसी अपने घर जा रहे हैं। आपके गांव में अवसर मिले या ना मिले, इसलिए करने की पूर्ति आपके लिए आज करके जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा कहिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और देखिए जो भी हमारे व्यास जी महाराज की विदाई करना चाहते हो, वैसे तो देखिए सबका फर्ज बनता है, चाहे आप दक्षिणा दें या ना दें, लेकिन भागवत जी को टीका अवश्य लगा के जाएं, क्योंकि आपने सबने कथा को श्रवण किया है। जो भी विदाई करना चाहते हो बारी बारी करके आए, क्योंकि कहा है कि हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, क्योंकि ये हरि की कथा आपको हमारे व्यास जी महाराज ने श्रवण कराई है। तो ये कथा कोई पोथी या किताब नहीं, भगवान का स्वरूप है जो आपको श्रवण कराया है। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है, जो भी विदाई करना चाहते हो अपने स्थान से आए बारी बारी करके और व्यास जी महाराज की भागवत जी की विदाई करें। कहा हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले तुमको नाखों प्रणाम, तुमको नाखों प्रणाम, हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले तुमको नाखों प्रणाम, तुमको नाखों प्रणाम, हर की कथा सुनाने वाले, पावन कथा सुनाने वाले तुमको नाखों प्रणाम, तुमको नाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले प्रभु का नाम लेवाने वाले तुमको नाखों प्रणाम,
तुमको डाकों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, की कथा सुनाने वाले तुमको डाकों प्रणाम, तुमको डाकों प्रणाम। सुधा दिलाने वाले